ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सपूत है जिसने कहा था कि एक वक्त अगर पोल भी खड़ा हो जाएगा तो वो भी जीत जाएगा। फिलहाल पोल को तो छोड़ दीजिए साहब, जो उनका सदर का बेटा है उमर अब्दुल्ला, द फ्यूचर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको हमने रेस से ही आउट कर दिया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वही उमर अब्दुल्ला थे जिसने दाढ़ी लंबी करके और लंबे बाल रख के कहा था, जब तक मैं 370 और स्टेटहुड वापस नहीं लाऊंगा मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। उसने सिर्फ कश्मीरियों को धोखा नहीं दिया न वो अपनी जबान पे रहा, बल्कि उसने बारामूला में इलेक्शन भी लड़ा और कश्मीरियों ने उसको करारा जवाब दे दिया। जो एक पक दम भरती थी कि अगर 370 हटाया गया तो हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, आज तो वो तरसती हैं कि किसी तरीके से हुकूमत मिले और फिर से वो भारत माता का झंडा तिरंगा ऊपर करे। ये तो अली बाबा 40 चोर है और आपके सामने मैं साबित कर सकता हूँ। आप किसी भी आम कश्मीरी को पूछ लो इनकी गंदी राजनीति और इनके करप्शन या इनके बाकी स्कैम जो मैंने कहे ऑन द चैनल, आप पता करिए कि कौन सच बोलता और कौन झूठ बोलता। देगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हम पूछते थे ये उसकी देन है पीएसए। उसके बाद इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पीडीपी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, लगभग 10,515 पीएसए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लोगों पर, मुसलमान लोगों पे लगवाए। सिर्फ हमारे लिए इलेक्शन जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है हालात सामान्य करना। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो जेकेएलएफ के साथ उठता और बैठता रहा, ये वही उमर अब्दुल्ला है जो हुर्रियत के साथ सिर्फ मीटिंग करता रहा और समय मांगता रहा कि 9 महीने हम सरकार चलाएंगे और 3 महीने तुम उपद्रव करो। ये वो लोग हैं साहब जिन्होंने कश्मीर को छली किया है, ये वो लोग हैं जो जिनकी पावर गेम्स, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, मफ को हरा के आतंकवाद को जन्म दिया है। मैं आज पूरी जिम्मेदारी और वसादत से कहता हूँ, पाकिस्तान हुर्रियत, HM, लश्करे तोयबा, TRF, CBI, महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सब एट देयर कन्वीनियंस पाकिस्तान चाइना के साथ हाथ मिला के कश्मीर में हालात बिगाड़ते हैं और ठीक करते हैं। मैं इनके साथ उठा हूँ, बैठा हूँ, खाया हूँ, पिया हूँ, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। लेकिन मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था। लेकिन जब इनकी इनसे सबसे बड़ी गलती इनसे हो गई, जो 8 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं हुए, ऐसे में लगातार खबरें आ रही कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सितंबर में इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे अभी ये पूरा जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उसके बाद ही पता चलेगा किस तरह के हालात रहते हैं। लेकिन ऐसे में मेरे साथ संदीप मावा है बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सितंबर तक इलेक्शन करवाइए, जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो एक्स आर्मी चीफ है वो कहते हैं कि पहले आप हालात ठीक कीजिए, इलेक्शन को डेफर भी किया जा सकता है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इलेक्शन कौन लोग मांग रहे हैं? राजनेता जो रीजनल पार्टीज के हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वही उमर अब्दुल्ला थे जिसने दाढ़ी लंबी करके और लंबे बाल रख के कहा था, जब तक मैं 370 और स्टेटहुड वापस नहीं लाऊंगा मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। अब देखिए कैसे ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उसने सिर्फ कश्मीरियों को धोखा नहीं दिया न वो अपनी जबान पे रहा, बल्कि उसने बारामूला में इलेक्शन भी लड़ा और कश्मीरियों ने उसको करारा जवाब दे दिया। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सपूत है जिसने कहा था कि एक वक्त अगर पोल भी खड़ा हो जाएगा तो वो भी जीत जाएगा। फिलहाल पोल को तो छोड़ दीजिए साहब, जो उनका सदर का बेटा है उमर अब्दुल्ला, द फ्यूचर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको हमने रेस से ही आउट कर दिया। और एक बिल्कुल ये जो इंजीनियर रशीद है उसको जितवा दिया। ये होती है अवाम की ताकत। जम्मू कश्मीर के लोग इनसे नजात चाहते हैं। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं, पीडीपी की सदर भी शिकस्त खा गई। तो मेरे भाई आज उनको उनकी औकात आम कश्मीरी ने दिखा दी है। आप मुझे बताइए कि मुर्दला कह रहे हैं कि सेंटर को ये कहना चाहिए जो हम हमारी ताकतें जो है, जो पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं, हम अपने घुटने टेकते हैं,
आतंकवाद के सामने अगर वो इलेक्शन नहीं कराना चाहता, सीधा ऐसा है बताइए किस तरह देखते हैं आप इस बयान? देखते वो, देखो वो प्रवोक करना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि क्या हिंदुस्तान इतनी बड़ी आर्मी 140 करोड़ लोग घुटने टोकेंगे आईएसआई या पाकिस्तान से? तो आप एक बात समझिए, हमारे लिए इलेक्शन जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है हालात सामान्य करना। क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी इनकी सरकारें होती हैं, तो आम जम्मू कश्मीर के नागरिक हर दिन शहीद होते हैं, 5, 6, 10, 20, और हर 3 साल में कोई ऐसा रेवोल्यूशन आता है जहां हजारों लाखों की तादाद में लोग पत्थरबाजी पे आ जाते हैं या सड़कों पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये ऐसे हालात ये हाशिए पर जम्मू कश्मीर के अवाम को पहुंचाते हैं और इनके खिलाफ बगावत होती है। साहब मैं कंसिडर्ड ओपिनियन रखता हूं, एक कोई इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए 2027 तक, जब तक नई डिलिमिटेशन नहीं होगी, एक। दूसरा, जब तक रीजनल पार्टीज का जो फंडिंग सोर्स है उसको न चेक किया जाए, जब तक हुर्रियत को खत्म न किया जाए, जब तक टीआरएफ को खत्म न किया जाए, जब तक लश्कर ए तोयबा का नेटवर्क न खत्म किया जाए, जब तक पीडीपी जो रीजनल पार्टीज हैं, सीपीआई या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो टेरर फंडिंग का जो नेक्सस है उसको न देखा जाए, तब तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करना देशद्रोह से बड़ा होगा। क्यों? जब भी इनकी सरकारें आती हैं तो आम कश्मीरी शहीद होता है, मरता है, पिटता है, पैलेट इंजरीज होती हैं। नहीं, जब आप सीपीआईएम को, एनसी को, पीडीपी को खत्म करेंगे तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? सीधा आप जीत जाएंगे फिर। वैसे भी आप कैसे जानते हैं कि पास टेरर फंडिंग का पैसा है? आपके पास कौन सी एजेंसी इस तरह की है? क्योंकि लोग पूछते हैं संदीप मावा अगर इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उनके पास कौन सी ऐसे इनपुट्स हैं जो वो कह रहे हैं इनके पास सब कुछ है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी उनके पास कुछ भी नहीं है? मसूद साहब, मैं आपको गुस्सा क्यों है आप समझिए, जो सरकारें लॉन्ग टाइम तक रखती हैं, आप मुझे जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं करीबी से जानता हूं, शेख फैमिली को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए, शेख फैमिली को मैं इनके एक एक मूवमेंट को, हरकत को, सियासत को जानता हूं। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो जेकेएलएफ के साथ उठता और बैठता रहा, ये वही उमर अब्दुल्ला है जो हुर्रियत के साथ सीक्रेट मीटिंग करता रहा और समय मांगता रहा कि 9 महीना हम सरकार चलाएंगे और 3 महीने तुम उपद्रव करो। ये वो लोग हैं साहब जिन्होंने कश्मीर को छली किया है, ये वो लोग हैं जो जिनकी पावर गेम्स, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, मफ को हरा के आतंकवाद को जन्म दिया है, जो 60,000 नौजवान बेगुनाह मरे हैं या कश्मीरी पंडितों का लाखों में पलायन हुआ है, वो इनकी गंदी राजनीति का खेल है और उसी पे ये खेल करके कभी हिंदुस्तान को लूटते हैं, कभी अंतरराष्ट्रीय ताकतों से हाथ मिलाते हैं। मैं आज पूरी जिम्मेदारी और वसादत से कहता हूं, पाकिस्तान, हुर्रियत, एचएम, लश्करे तोयबा, टीआरएफ, सीबीआई, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सब एट देयर कन्वीनियंस पाकिस्तान चाइना के साथ हाथ मिला के कश्मीर में हालात बिगाड़ते हैं और ठीक करते हैं, एट देयर कन्वीनियंस टू बी इन पावर। सो इसलिए सरकार को एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए ताकि ये पूरी जो मैं बातें कह रहा हूं ये सच की सच और अगर कोई सियासत है वो भी निकल के आए। तो आप जो बार बार कहते हैं, आप कैसे जानते हैं साहब मैं इनके साथ उठा हूं, बैठा हूं, खाया हूं, पिया हूं, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूं। लेकिन मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था। लेकिन जब इनकी इनसे सबसे बड़ी गलती इनसे हो गई, जो 8 नवंबर 2021 को इन्होंने मुझ पे कातिलाना हमला किया जिसमें बदकिस्मती से मेरा मुसलमान भाई मोहम्मद इब्राहिम खान शहीद हो गया, उस दिन मैं पूरा यकीन कर गया कि अब मुझे ये नेक्सस को तोड़ना है। आपने देखा होगा तब से लेकर आज तक मैंने जो इनका झूठा साम्राज्य लूट और खसूट, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, रहीम राठौर हो, या नासिर सोगामी हो, या बाकी लोग हो, ये तो अली बाबा 40 चोर है और आपके सामने मैं साबित कर सकता हूं। और जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 साल पहले, सीबीआई ने भी इसका संज्ञान लिया था और इनकी लीडरशिप के लोग मुझ पे गिड़गिड़ाने आए थे, साहब मेहरबानी करके हम माफी मांगते हैं, आप इस बात को आगे न उछाला जाए। इनकी कमजोरियां तो जग जाहिर है, आप किसी भी आम कश्मीरी को पूछ लो, इनकी गंदी राजनीति और इनके करप्शन या इनके बाकी स्कैम जो मैंने कहे ऑन द चैनल, आप पता करिए कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। अब मुझे बताइए, उमर साहब ये कहते हैं कि जब असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे
तो यहाँ सबको पता है कि एनसी जो है मेजोरिटी में सीट्स लेगी, इसीलिए इलेक्शन से डर रहे हैं। फिलहाल उमर अब्दुल्ला की औकात तो लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाई दी है। जो कभी कहता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर हम पोल भी खड़ा करेंगे वो भी जीत जाएगा, फिलहाल उमर अब्दुल्ला हारा हुआ इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स में उतरा था एमपी इलेक्शन के लिए, वो हारा हुआ कैंडिडेट है, वो किस कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो जीत जाएगा। लेकिन जब भी इलेक्शन होगा आप देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। जिस तरह इंजीनियर रशीद ने एक बलबला लाया था जम्मू कश्मीर के वहां इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, आप देखेंगे इस इलेक्शन में नए उभरते हुए चेहरे जो स्वीप करेंगे और इनके हाथ में बाबा जी का ठुल्लू कहते ना गुंजुना दे के रखेंगे। ये समय की बात रहेगी, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन आप मुझे फिर से पूछेगा, इनका हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर। लेकिन जो इंजीनियरिंग का जीतना है वो भी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वो भी सोच का जीतना है, उस सोच जिस सोच को इंजीनियरिंग सपोर्ट करते थे लोगों ने उसी सोच को वोट दिया, ये सेंटर के खिलाफ है। देखिए एक चीज क्या मानते हैं इसको, बड़ी गलत बात उमर अब्दुल्ला ने कही है। कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। देखिए डेमोक्रेसी में कोई भी जीते, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल, अवाम ने उनको चुना है, अब वो सही है या गलत है वो समय तय करेगा, समय को कोई मौका देना चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला इज सो मच इंपेशेंट, उसको प्रीजज करते हैं, समय बताएगा कि इंजीनियर रशीद वफा करेगा या धोखा करेगा, वो समय तक छोड़िए, फिलहाल हम देखते रहेंगे कि उनकी मूवमेंट आगे चल रही है। जिस तरह जमात ने बोला है कि अगर हमें मौका दिया जाएगा हम सेंटर बैन हटाता है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार है, किस तरह देखते हैं इस चीज को? आपको अगर याद हो मैंने इस बात को फरवरी 2024 में ही कहा था कि जमात इस्लामी इज लिटरली बेगिंग टू दिल्ली फॉर कि हमारी बैन हटाइए, हम इलेक्शन में आना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपकी चैनल के थ्रू जमात इस्लामी लोगों से है, जिसकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन है, आप किस तरह से कश्मीरियों को जवाब देंगे? आपकी वजह से हमारे नौजवान गुमराह हो गए हैं, 60,000 लोग आपने कफनों में दफना दिए हैं अपनी गंदी राजनीति के लिए, आज किस मुंह से साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे? ये एक चैलेंज होगा देश के लिए कि ऐसे देशद्रोहियों को जिनको फांसी पे लटकाना चाहिए आज वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, गन को छोड़ना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनको गुमराह करके इन्होंने कफन दिलवाए, हमारी माओ को बेवा किया, हमारी बच्चों को उनकी इज्जत लूट दी। ये जमात कहती है ये शर्म की बात है। आपको लगता है कॉन्टेस्ट करना चाहिए लेकिन अगर हर एक को मौका देना चाहिए? देखिए मौका देना चाहिए जो देश हित में बात करे, जो देश द्रोह करता है उसके लिए एक ही सजा है, या उसको लाल चौक में फांसी दे दो नहीं तो उसको कारागार में रख दो। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं जो डीजीपी आर एस वैन है वो जो है पीडीपी पार्टी को तोड़ रहे हैं, उनको ये भी कहा कि वो जो हालात जम्मू कश्मीर के वो सुधारने में नहीं लगे हैं, वो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, उस बयान को किस तरह देखते हैं आप? देखिए बड़ा अफसोसनाक बात है कि आरआर स्वैन साहब इज द डीजीपी ऑफ पुलिस, अब वो इंस्टीट्यूशन को भी जेके पुलिस को भी नहीं बख्शेंगे, शर्म की बात है। अगर उनको लगता है कि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, शी शुड विड्रॉ हर सिक्योरिटी, वो कैरेक्टर होता है, लेकिन शी इज अ ड्रामा क्वीन, वो सिर्फ ड्रामा करने में एक्सपर्ट है। ये वही क्वीन है जिसने कहा हीलिंग टच और फिर हमारे लड़कों को टैलेंट इंजरी से जख्मी किया, मरवाया। सबसे ज्यादा पीएसए पीडीपी के राज में लगे 11,505, तो साहब ये कहते कुछ और करते कुछ है, इसलिए दे हैव बिकम इररिलेवेंट इन द पॉलिटिक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तभी आपने देखा होगा जो एमपी इलेक्शन अभी हुआ था साउथ कश्मीर में, महबूबा जी उसमें हार गई, जो एक पक दम भरती थी कि अगर 370 हटाया गया तो हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज तो वो तरसती हैं कि किसी तरीके से हुकूमत मिले और फिर से वो भारत माता का झंडा तिरंगा ऊपर करे। साहब ये तो देशद्रोही हैं, ये तो मैं अफसोस है कि केंद्र सरकार इन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर रही है। मैं तो आपकी चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, जिनने कहा मेरी 56 इंच की छाती है, उनको ये छाती फिर से दिखा के गद्दारों को देशद्रोह के अंदर कारागार में रखना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं जिस तरह उमर साहब ने कहा कि पीएसए हमने लाया था लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जब हमारी हुकूमत आएगी हम उसको हटाएंगे? साहब ये कहते हैं ना ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हम पूछते थे ये उसकी देन है पीएसए। उसके बाद इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पीडीपी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, लगभग 10,515 पीएसए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लोगों पर, मुसलमान लोगों पे लगवाए। सिर्फ इतना ही नहीं, किसकी सदारत में? उमर अब्दुल्ला की सदारत में। और इतना ही नहीं, उसके बाद सबसे ज्यादा पैलेट इंजरीज, पैलेट गन्स मंगवाए उमर अब्दुल्ला ने, और हमारे बच्चों को अंधा और काना कर दिया। साहब ये तो है ना, ये गद्दार लोग हैं, ये सिर्फ इनका काम है कुर्सी पे आना, लूटपाट करना, ट्रांसफर को एक पॉलिसी, एक ट्रांसफर को एक इकोनॉमी बना के लोगों से पैसे ऐंठना, चाहे वो पुलिस वाले हो, ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी हो। तभी आपने देखा होगा जब अभी ऑनरेबल एलजी साहब को पावर्स और दिए गए, उसमें क्या था कि चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करने की, डीजीपी को अपॉइंट करने की ताकत एलजी की होगी, उसमें क्या गलत है? हमारे लोगों को मैं खुल के कहना चाहता हूं, हमारे लोगों को जब जब ताकत मिली हमने उसका गलत इस्तेमाल किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण महबूबा मुफ्ती है, जो जब से सबसे ज्यादा पीएसएस लगाए, और उसका दूसरा उदाहरण है उमर अब्दुल्ला, जिसने सबसे ज्यादा हमारे नौजवानों को पैलेट इंजरी से अंधा और काना कर दिया। तो इन गद्दारों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये वो लोग हैं। अभी आपने देखा उमर अब्दुल्ला ने जब इलेक्शन फॉर्म भरा तो उसने लिखा उसकी टोटल प्रॉपर्टी 54 लाख है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, शेख फैमिली इज नॉट लेस देन 40,000 to 50,000 crores। इनके लंदन में, दुबई में 40 फ्लैट सिर्फ उमर अब्दुल्ला के हैं बुर्ज खलीफा के अंदर। तो साहब आप किन गद्दारों की बात करते हो? इन्होंने कश्मीर को लूटा है, लूटा ही नहीं, बर्बादी की कगार पे आतंकवाद उछाला है। ऐसे देशद्रोहियों के लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। आप मुझे बताइए इलेक्शन कितनी जरूरत है? जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं इलेक्शन हो, क्योंकि हमेशा यह मांग उठती है कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन होने चाहिए। कितनी जरूरत है जम्मू कश्मीर? देखिए इलेक्शन होना जरूरी है डेमोक्रेसी में, लेकिन मेरे कश्मीरी भाइयों को समझना चाहिए कि आप ही के लीडरशिप, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, सीपीआई हो, आपके साथ खिलवाड़ करती थी, इसलिए हम इकोसिस्टम तोड़ रहे हैं। दिल्ली जो है इकोसिस्टम तोड़ रहा है, किसका? आप देखा जमात इस्लामी का इकोसिस्टम तोड़ा, JKLF का तोड़ा, लश्कर का तोड़ा, हुर्रियत का तोड़ा, जो बार एसोसिएशन में ये उपद्रव कराते थे उनको एनपीएससी में रखा, और जो पॉलिटिकल फंडिंग फॉर टेरर फंडिंग में जाते थे उनको भी तोड़ा। इसलिए साहब थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी जिंदगियां खुश और खुशहाल रहें, कोई मौत का तांडव कश्मीर में न हो, आतंकवाद नस्त नबूत हो जाए। इसलिए इलेक्शन को अभी करना मजबूरी नहीं होगा, अभी मजबूरी है अमन को फिर से बहाल रखना, आतंकवाद का नेटवर्क का नस्तोनाबूद करना, जमात इस्लामी की टोटल जो नेटवर्किंग है उसको तोड़ना। इसलिए समय लगता है, थोड़ा कश्मीरी बर्दाश्त करे और ये बर्दाश्त उसकी जिंदगी में बहार लाएगा। कहीं गलती से फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी सरकार में आ गई तो मुझे, आप पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यहां फिर से हालात खराब होंगे और यहां फिर से मौत का तांडव होगा। अब मुझे बताइए क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इस साल होंगे सितंबर में? क्या आपको लगता है या 27 के बाद इलेक्शन होंगे? देखिए मेरा जो मानना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शन 2027 से पहले नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप मावा जी की हंसी कुछ और कह रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि 2027 तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे। क्या आप 2027 के बाद इलेक्शन होंगे जब पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन होगी, या उससे पहले इलेक्शन होंगे? क्या कुछ इनका कहना था, आपका क्या सोच विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।